तो दोस्तों 1957 में मदर इंडिया को ऑस्कर नॉमिनेशन मिलने के बाद 30 साल तक किसी इंडियन मूवी को ऑस्कर नॉमिनेशन नहीं मिला, पर उसके बाद फिर से एक मौका आया जहां पर 1988 में किसी इंडियन मूवी को ऑस्कर नॉमिनेशन मिला, हालांकि ये मूवी भी ऑस्कर जीत नहीं पाई। तो हम बात कर रहे हैं 1988 में आई मीरा नायर की डायरेक्शन में मूवी सलाम बॉम्बे के बारे में, जहाँ ये मूवी ऑस्कर के लिए नॉमिनेशन तो हुई पर इस बार डेनमार्क की मूवी पेलो इरोब रेरेन ने बाजी मार ली। तो सलाम बॉम्बे मूवी बेस्ड है क्राइम ड्रामा चाइल्ड स्ट्रगल के बारे में, और शायद आपको ये सुन के यकीन नहीं होगा पर उस जमाने में जहाँ बॉलीवुड मूवी में 5 से 10 गाने भरे जाते थे, इस मूवी में आपको एक भी गाना सुनने को नहीं मिलेगा, जिसमें आपको बिल्कुल हॉलीवुड वाला फील आएगा। और ये एक छोटा सा वजह हो सकता है इस मूवी का नॉमिनेशन होने का, पर मुझे जो लगता है ये मूवी इस वजह से ऑस्कर नहीं जीत पाई क्योंकि ये गलत टाइम पे रिलीज हुई थी। अगर ये मूवी 1970 से पहले रिलीज होती तो शायद आसानी से ऑस्कर जीत जाती। और अगर हम मदर इंडिया और सलाम बॉम्बे मूवी की कंपैरिजन करेंगे तो सलाम बॉम्बे ज्यादा अच्छा है, हालांकि टाइम का डिफरेंस भी बहुत ज्यादा है। तो मूवी चाय पाव नाम का एक स्लम बच्चा की स्ट्रगल और एक कोठे को लेकर खास तरह से बनाई गई है, जहां मूवी की शुरुआत होती है कृष्णा नाम के एक बच्चे से जो अपनी माँ के कहने पर सर्कस पे काम करता है ताकि 500 रुपए जुगाड़ कर पाए और घर जाए। पर शायद उस बच्चे को और भी ज्यादा बुरा देखना था, तो एक दिन सर्कस वाले उस बच्चे को अकेला छोड़ के पीछे चले जाते हैं, जहाँ एक 10-12 साल का बच्चा अकेला रह जाता है 3 पान मसाले डिब्बे के साथ और पहुँच जाता है बॉम्बे, जहाँ इसके जैसे बहुत सारे बच्चे रास्ते पे भटक रहे हैं और चोरी, चाइल्ड लेबर, नशे का शिकार है। वहीं पर कृष्णा भी उनके साथ मिल जाता है, पर अब उसका नाम कृष्णा नहीं रहता बल्कि चाय पाव नाम पड़ जाता है, क्योंकि ये एक चाय के स्टॉल में काम करता है और घर घर जाके चाय पहुँचाता है, जिसमें शामिल है बाबा का घर और कोठा भी। वहीं चाय पाव के दोस्तों में शामिल है चिलम, जो कि बाबा के लिए काम करता है, बाबा से नशा लेना और उसे बेच के बाबा को पैसा लौटाना। तभी उस कोठे पर एक लड़की को लाया जाता है बेस्या बनाने के लिए, जिसे सब 16 साल के नाम से जानते हैं, जिसे चाय पाव लाते वक्त मिलता है और पता नहीं कैसे उस 5 साल बड़ी औरत उसे पसंद आ जाती है और उस कोठे से उसे बाहर निकालने की कोशिश भी करता है पर पकड़ा जाता है, जिस वजह से चाय पाव को कोठे वाले कोठे में आने से मना कर देते हैं और धमकी देके छोड़ देते हैं। पर कहानी यहीं पे खत्म नहीं होती, उस लड़की को भी ये काम नहीं करना होता है, पर जिसने इसे खरीदा है उसके लिए ये एक बेहतरीन प्रोडक्ट है, क्योंकि 16 साल एक वर्जिन लड़की होती है और ये अपनी वर्जिनिटी जिसके साथ लॉस्ट करेगी उससे इनको बहुत ही ज्यादा फायदा मिलेगा। और इस वक्त में चाय पाव ने 300-350 रुपया जमा कर लिया है ताकि 500 रुपया जमा करे और घर जा पाए, पर अभी भी चाय पाव 16 साल को भूल नहीं पाई और 16 साल अभी भी वर्जिन है। तो 16 साल को एक वैश्या बनने के लिए पहले राजी होना जरूरी था, जिस वजह से बाबा को काम दिया जाता है ताकि उसे वैश्या बनने में राजी कर पाए। वहीं पर चाय पाव का दोस्त चिल्लम भी बाबा को धोखा देता है, जिस वजह से बाबा उसे मार मार के काम से निकाल देता है, जिस वजह से चाय पाव को मुसीबत चारों तरफ से घेर लेती है। पहले तो उसका दोस्त चिल्लम नशे का शिकार होकर पागल हो जाता है, 16 साल को मनाने के लिए बाबा काम पे लग जाता है और काम में गड़बड़ी होने की वजह से चाय पाव को भी काम से निकाल देते हैं, और नशे के चक्कर में चिल्लम का भी मौत हो जाता है और पता चलता है कि वो चाय पाव का सारा पैसा लेकर नशे में उड़ा दिया है, जिससे चाय पाव घर जाने वाला था। तो चाय पाव और उसके दोस्त अब भूख से तड़प रहे हैं, जिस वजह से वो पहले चोरी करने का फैसला करते हैं और फिर एक शादी में कैटरिंग का काम करते हैं, और काम से लौटते वक्त उनमें से पुलिस चाय पाव और बाबा की बेटी को पकड़ लेती है और फिर जाके उनको चाइल्ड केयर में डाल देती है। और जब बाबा और उसकी बीबी अपनी बच्ची को वहाँ लेने जाते हैं तो उनको ये कहा कि भेज दिया जाता है कि एक बच्ची बेस्याओं के बीच बड़ी नहीं हो सकती और जब तक वो जवान नहीं हो जाती वो सरकार के निगरानी में बड़ी होगी। और वहीं पर चाय पाव को भी दीवार कूद के भागना पड़ता है और वो भाग के सीधा 16 साल के पास आता है, और जब चाय पाव 16 साल को भागने के लिए कहती है तो 16 साल मना कर देती है और वो एक बेस्या बनने के लिए अब तैयार हो जाती है। तो चाय पाव के पास अब कुछ नहीं बचता, पर बाबा और उसकी बीवी जब घर लौटते हैं तो झगड़ा करने लगते हैं, जहाँ बाबा की बीवी सब कुछ छोड़ देना चाहती है पर बाबा ये नहीं चाहता। उसी वक्त चाय पाव आता है और चाकू मार के बाबा को मार देता है। तो अगर आप जानना चाहते हो कि चाय पाव आखिर बाबा को क्यों चाकू मारता है और उसके बाद क्या होता है तो मूवी को जाके जरूर देखना। आखिर कैसे एक मासूम सा बच्चा बॉम्बे आकर स्लम बनता है, चाय पाव बनता है, चोरी करता है, नशे का शिकार होता है और आखिर में एक मर्डरर भी बन जाता है। पर उससे पहले कुछ बातें जानना जरूरी है, जैसे इस मूवी में नाना पाटेकर, इरफान खान जैसे बड़े एक्टर दिखने को मिल जाएंगे पर लीड रोल में नहीं। लीड रोल में आपको एक बच्चा दिखने को मिलेगा जिसमें आपको चाइल्ड लेबर, चाइल्ड स्ट्रगल और बॉम्बे के बारे में दिखाया जाएगा। मूवी आपको बिल्कुल रियलिस्टिक लगेगा, ना इसमें बॉलीवुड की 5-6 गाने ना ओवर एक्टिंग देखने को मिलेगा। और अगर हम मूवी की लेंथ की बात करें तो मूवी 1 घंटा 53 मिनट की है, जिसमें आपको जबरदस्त स्टोरी, एक्टिंग, डायरेक्शन देखने को मिलेगा। जिसकी रेटिंग ओवरव्यू की बात करें तो मूवी को IMDB पर 8 की रेटिंग मिली हुई है और रोटेन टोमेटो पर 93% लाइक। पर मैं अगर इस मूवी को रेटिंग दूंगा तो मैं दूंगा 8.3 out of 10 एंड 94% लाइक। मूवी को जहां नेशनल अवार्ड से नवाजा गया था वहीं पर ऑस्कर, बाफ्टा, फिल्मफेयर, गोल्डन ग्लोब जैसे बड़े अवार्ड पे भी नॉमिनेशन मिला था। और मूवी में आपको 2 coincidence भी देखने को मिल जाएगा। पहला तो मूवी में मदर इंडिया की तरह 500 रुपए का चक्कर है और दूसरा मूवी के एक सीन में हमें मदर इंडिया के बारे में कहा जाता है। मूवी को द चिल्ड्रेन ऑन द स्ट्रीट और बॉम्बे को डेडिकेट किया गया है। तो जाते जाते दोस्तों बस यही कहूंगा, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जो भी आपको आता है दोस्तों प्लीज जरूर करना। थैंक यू, लव यू, बाय।